कोविड उपचार व्यवस्थाओं को लेकर पोहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुई मार्क ड्रिल। खबर पोहरी से आ रही है। कोविड 19 महामारी की रोकथाम के लिए आवश्यक तैयारियों पर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और निजी चिकित्सालयों में मार्क ड्रिल हुआ। केंद्रीय शासन द्वारा 10 और 11 अप्रैल को मार्क ड्रिल किए जाने के निर्देश दिए गए थे। पोहरी में BMO महेंद्र धाकड़ ने बताया कि मार्क ड्रिल में कोविड 19 संक्रमितों के प्रबंधन के लिए आपातकालीन प्रक्रिया के संभावित रोगियों की स्क्रीनिंग, स्वास्थ्य परीक्षण, सैंपल संग्रहण, आइसोलेशन एवं भर्ती के दौरान रोगियों के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता, वेंटिलेटर और उपचार के लिए आवश्यक औषधियों की उपलब्धता की प्रक्रिया को परखा गया। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन PSA प्लांट की फंक्शनिंग की जाँच की गई। रोगियों के उपचार के लिए चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मचारी और कोरोना से निपटने के लिए आवश्यक मानव संसाधन की उपलब्धता की समीक्षा की गई। एम्बुलेंस से लेकर चिकित्सालय तक स्वास्थ्य कर्मियों के लिए PPE किट, मास्क और ग्लव्स की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया। मार्क ड्रिल के दौरान स्वास्थ्य संस्थाओं में बिस्तर क्षमता, उपलब्ध मानव संसाधन, रेफरल सेवाएँ, परीक्षण क्षमताएँ, मेडिकल ऑक्सीजन, टेली मेडिसिन आदि सुविधाओं की समीक्षा की गई। संवाददाता धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। और प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता को देखते हुए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, जिससे कि ये पता चले कि हमारे सारे उपकरण सुचारू रूप से चालू हैं एवं कोई भी आकस्मिक आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग किया जा सके। सर, मरीजों को क्या क्या सावधानी के लिए बोला जाए? अभी आजकल देश भर में नए कोविड के मरीज आना शुरू हो गए हैं, इसलिए ये है कि भीड़ भाड़ इलाकों से बचें और जहाँ तो मास्क का उपयोग करें और 2 गज की दूरी बनाए रखें और सैनिटाइजेशन करते रहें।